In the last class I had done, I told you that we are left with only three kinds of advertisements. एक हमारा है, हमें अकोमोडेशन चाहिए ऑन रेंट. सेकेंडली मिसिंग एंड थर्ड वन इज लॉस्ट एंड फाउंड. इसमें से इफ आई से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, तो अकोमोडेशन वॉन्टेड तो है, आता है, इट कम्स इन द एग्जाम. मिसिंग इट हैज कम इन सम ऑफ द स्कूल्स एट टाइम्स, इट हैज कम इन द स्कूल्स एट टाइम्स, एंड लॉस्ट एंड फाउंड भी आता है. तो आई एल बी डूइंग ओनली टू मिसिंग वाला जो है, मैं आपको दो करवाऊंगी सो दैट आपको सब कुछ आता है. मतलब अगर आपके पेपर में इफ इट इज सिचुएशन वेकेंट वॉन्टेड, अकोमोडेशन वॉन्टेड, व्हीकल फॉर सेल या फिर हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी आए, यू शुड नॉट मिस इट. दैट शुड बी द मतलब की स्पिरिट. अब हमारा जो है, वी आर कमिंग टू द पॉइंट मिसिंग. अब व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन मिस जो पेपर में आता है. तो एक हमारे आता है काइंड्स ऑफ पेट्स, आपका कैट, आपके डॉग, उसका. और दूसरा आता है एनी ह्यूमन. नाउ यू मे पॉन्डर कि मैम क्या लोग घूम जाते हैं? हाँ, कई बार उनकी याददाश्त नहीं होती है, दे मे बी अबडक्टेड. छोटे बच्चे होते हैं, वो रास्ता भूल के चले जाते हैं. एंड एट दैट पॉइंट वी नीड टू गिव एन एडवर्टीजमेंट इन द टाइम इन द न्यूज पेपर. हमें उसका जो उसकी जो कॉपी है वो हम लोगों को पुलिस स्टेशन में देना पड़ता है. एंड जो मिसिंग है उसका भी ऐसा ही रहता है. यू नीड टू गिव दिस इन द मतलब इफ यू आर हैविंग, अगर आप कहीं भी किसी को बोलोगे कि काइंडली फाइंड आउट आवर माई पेट, तो यू नीड टू टेल दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन द एक्शन. एंड फॉर दैट यू नीड टू गिव इट इन एनी न्यूज पेपर. तो जो फॉर्मेट है वो हमारा सेम रहता है. आपका जो भी है, यू कैन यूज अ सिंपल वन मिसिंग. देन व्हाट या हु, अगर इंसान है तो वो. फिर उनका डिस्क्रिप्शन, लाइक इफ इट इज अ कैट, इट इज अ डॉग, तो उसका ब्रीड, उसका कलर, उस वक्त में उसने अगर कुछ पहन रखा था, लाइक उसने मतलब कि इफ द पेट वाज वेयरिंग एनी लीश, तो वो. देन वेयर इट वाज लास्ट सीन, या कहाँ से वो खो गया वो. एंड एनी अदर डिटेल, और आप कोई भी डिटेल्स देना चाहते हो वो दैट शुड बी गिवन. नाउ इफ इट इज अ ह्यूमन, अगर इंसान है तो इंसान का डिस्क्रिप्शन, एज, जेंडर, उन्होंने क्या कपड़े तरीके के कपड़े पहन रखे थे, कहाँ पर लास्ट वो देखे गए थे, एंड एनीथिंग. अगर मान लो कि दैट पर्सन इज एमनीशिया, मतलब उनको भूलने की आदत है वो. एंड देन द कॉन्टैक्ट, सॉरी, यू ऑल्सो एड द रिवॉर्ड कॉलम. आप इसमें रिवॉर्ड कॉलम भी ऐड करते हैं. एंड देन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. सेम आपका, इट शुड बी पुट इन अ बॉक्स. एंड इफ द न्यूज़पेपर्स नेम इज गिवन, इट शुड कम आउटसाइड द बॉक्स. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एनी थिंग विच इज मिसिंग. अगर आप लोगों के घर में न्यूज पेपर आता है तो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड आपके जो है एक छोटा सा कॉलम आता है मिसिंग का. दैट कैन बी एनी थिंग, दैट कैन बी ऑफ एनी मतलब कि एनिमल और एनी पर्सन, राइट? सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर मिसिंग. एंड नाउ वी विल बी क्विकली डूइंग टू क्वेश्चन, वन ऑफ ह्यूमन एंड अनदर वन एन एनिमल. ठीक है, एंड देन वी वुड प्रोसीड टू द लास्ट वन, दैट इज लॉस्ट एंड फाउंड.
जो आप अपने पेपर में उम्मीद कर सकते हो। अब जिन बच्चों के पेपर्स में सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, प्रॉपर्टी वाला आ गया है ना, हो सकता है सेकेंड टर्म में आपके पास लॉस्ट एंड फाउंड और वो वाले आए जो आपने फर्स्ट टर्म में नहीं आए। तो लॉस्ट एंड फाउंड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, और लॉस्ट एंड फाउंड को जब आप लोग करोगे क्लास 11 तो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि जो सेम लॉस्ट एंड फाउंड है ना, दैट इज ऑल्सो देयर इन 12th स्टैंडर्ड इन नोटिस, मतलब है वही लेकिन वो नोटिस की तरह है, सेम है फर्स्ट, मतलब बाकी सारा जो कंटेंट है वो आपका सेम रहेगा। द ओनली थिंग इज यू विल बी हैविंग इट इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, ये याद रखना हमेशा। दीज विल बी सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू विल बी हैविंग। नाउ लेट अस क्विकली गो फॉर द वन। नाउ इफ यू, जब आपके सामने कभी भी क्वेश्चन हो 11th में 12th में, कभी भी एक चीज याद रखना, यू नीड टू यूज ईच एंड एवरी वर्ड विच इज गिवन इन द न्यूज़पेपर इन द क्वेश्चन। अब इसके अंदर है पेट, यानी कि आपकी मर्जी, किसने खोया है, श्रेया ने, देन वेयर इट वॉज लॉस्ट, पार्क, देन वेयर वी हैव टू गिव द एडवर्टीजमेंट, दैनिक जागरण। तो ये हमारे आंसर्स में होने चाहिए। ऑलवेज राइट योर कैप्शन इन द कैपिटल लेटर ओनली।
यूज्ड सिंपल, यू कैन यूज शेरनी ऑल्सो, मैंने शेरू लिख दिया था, फीमेल जर्मन शेफर्ड, इट इज अप टू यू, हियर इट इज नॉट गिवन, यू कैन यूज एनी थिंग, रॉट व्हीलर कुछ भी आप लिखना चाहते हो, शिट जू एनी थिंग, ब्राउन कलर, कलर ब्राउन है लेकिन मैंने उसकी पहचान के लिए मोल लिख दिया है ऑन राइट चीक, लंबे बाल मतलब तेल होते हैं इनके, एंड अराउंड 3 ईयर्स, कहाँ लॉस हुआ, सेंट्रल पार्क में, एंड देन फाउंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड, और किसको कॉन्टैक्ट करना, इवन आई हैव गिवन द एड्रेस, अगर आसपास में हो तो छोड़ के जाए। इसके अंदर क्लास 11, इसके अंदर यू कैन ऑल्सो यूज वियरिंग अ ब्लू कलर लीच, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना लॉस, वियरिंग अ ब्लू कलर लीच, नॉर्मली पट्टा पहन के रहते हैं तो वो आप वो भी लिख सकते हैं, मतलब दीज आर योर ओन इन्वेंशन, मस्ट नहीं है, इन्वेंशन है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट काइंड, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, इफ इन एनी अदर्स इन एनी स्कूल, एक हमारा मतलब की कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स, दूल्हा चाहिए दुल्हन चाहिए,
अगर कोई स्कूल करवा रहा है तो वो दे इट्स देयर प्रॉब्लम, वो बिकॉज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इट इज नॉट देयर, इट वाज रिमूव्ड, बट इन सम स्कूल्स दे डू इट, इट इज वेरी रिडिकुलस, सो आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज एज पर सीबीएसई सीबीएसई इट इज नॉट देयर. नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉस्ट एंड फाउंड, आपको मैंने उस दिन भी बताया, दोबारा बता रही हूँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन आता भी है एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर नोटिस राइटिंग, जिसका जो फॉर्मेट हमारा अलग हो जाता है बट जो कंटेंट रहता है वो यही रहता है. नाउ लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब हो सकता है यू हैव लॉस्ट समथिंग या फिर आपको कोई चीज मिली है, राइट? तो चाहे आपका सामान गुम गया हो या फिर आपको मिला, यू नीड टू डिस्क्राइब इट, मतलब उसका कलर, उसका मेक, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वो देन वो कहाँ पर आपको मिला या कहाँ आपसे खो गया, कहाँ आपको मिला या कहाँ आपसे खो गया वो, एंड एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विच यू वॉन्ट टू गिव. कभी कभी क्या होता है, आपको एक वॉलेट मिला उसमें 10,000 के, यू कैन नॉट राइट इट, यू हैव टू राइट ओनली सम करेंसी नोट्स, एंड देन अगर आपका सामान गुम गया है तो जो हमने ऊपर यहाँ लिखा था फाउंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड, ये वाला हम डालते हैं, लेकिन अगर आपको सामान मिला है तो हम नहीं डालते. देन आपको जो है कॉन्टैक्ट बताना है कि कहाँ से उसको हम ले सकते हैं या कहाँ से मतलब कि वो ले सकता है. तो दिस इज लॉस्ट एंड फाउंड, एंड दोनों क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, लॉस्ट भी आता है और फाउंड भी आता है. सिंपल, द सेम फॉर्मेट, वॉट एवर द न्यूज पेपर नेम इज देयर दैट वुड कम इन द बुक. कुछ जगहों पे लॉस्ट 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 लिखते हैं विच रियली फील्स वेरी गुड. लॉस्ट एंड फाउंड इज अ राइट फॉर्मेट. देन वॉट लॉस्ट, तो वॉट का मतलब हो जाएगा सामान, उसका कलर, उसका मेक, उसका कोई स्पेसिफिकेशन, अगर आपको उसके अंदर कुछ जैसे आपका बैग गुम गया तो उसके अंदर हो सकता है कुछ चीजें रखी हुई हो, वो एंड देन वेयर इट वॉज लॉस्ट एंड देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू द व्हाट वी कॉल एज फाउंड, अगर आपको मिला है तो देन व्हाट वाज फाउंड, सेम उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन, यू कैन से स्पेसिफिकेशन, यू कैन से डिस्क्रिप्शन, यू कैन से डिटेल्स, वेयर इट वॉज फाउंड एंड फ्रॉम वेयर इट कैन बी कलेक्टेड. नाउ यू मे बी थिंकिंग क्या मैम ऐसा कुछ होता है? यस, ऐसा होता है. एंड वाइल वी आर, अगर हमसे गुम गया कोई सामान तो वी नीड टू एक्चुअली रिपोर्ट इट, वी हैव टू व्हाट वी से हमें FIR करवाना पड़ता है, सो एट दैट टाइम वी नीड दिस वन इन द न्यूज पेपर. आई विल टेल यू वन वेरी वेरी आई कैन से पर्सनल बट अ वेरी अगली हमारे साथ में हुआ था, इट वॉज अ वेरी अगली मतलब की एक्सपीरियंस विद अस लॉन्ग बैक, दैट वॉज एंड इन फैक्ट आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज कैरिंग, तो इट वॉज द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड माई हजबेंड वॉज इन LIC हाउसिंग फाइनेंस,
and he used to look after the this loan disbursal. तो उनके पास में हमेशा ही काफी सारे चेक्स वगैरह रहते थे, डिमांड ड्राफ्ट इनफैक्ट, इट वॉज नॉट इवन चेक, इट वॉज अ डिमांड ड्राफ्ट. तो अब हुआ क्या कि ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस एंड हिज मतलब कि जो उनका बैग था वो पीछे रखा हुआ था, एंड इन दैट द एंटायर डिमांड ड्राफ्ट अलॉन्ग विद द, क्योंकि वो हाउसिंग फाइनेंस था तो पूरे घर के डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग फेल डाउन समवेयर. ही डिड नॉट नो. एंड नाउ द प्रॉब्लम वॉज दैट वॉट टू डू, उनकी तो इट वॉज ऑन हिज जॉब, मोर ओवर इट वॉज टू मतलब कि डीडी तो बहुत कॉस्टली था, 10 लाख समथिंग था. नाउ ही केम एंड वेन आई एंड ही, इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इट वॉज मोटर बाइक, हम लोग घूमे पूरा उन सब जगहों पे गए, वी डिड नॉट फाइंड इट. देन ऑफ कोर्स एज अ रूल सेज हम लोगों ने अगले दिन जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में दे दिया, मतलब दैट्स अ रूल, दैट इज अ रूल. बिफोर वी आर गिविंग इट इन द पुलिस स्टेशन, हमें पुलिस स्टेशन में वी हैव टू गिव दिस, ये हमें देना पड़ता है कि दिस इज द एडवर्टीजमेंट वी हैव पुट. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो देन आफ्टर 3 डेज वी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ मैन एंड ही सेड दैट यू नीड टू कम अलोन एंड एज अ रिवॉर्ड वी शुड गिव हिम 1 लाख रुपीज. दिस इज 20 ईयर्स बैक, और उस वक्त में 1 लाख रुपीज वॉज टू मच मेरे लिए, तो पता नहीं क्या था, फीवर लाइक क्या किया जाए. नाउ वी इन्फॉर्म द ऑफिस एंड दे द पीपल दे हेल्प दस, उन्होंने जो है पुलिस को खबर तो कर दी, एंड पुलिस जो है वो प्लेन ड्रेस में, दे डिड नॉट कम विद अस, दे केम एंड नोट्स पे हम लोगों ने साइन वो कर दिया. And as soon as he took the money and he gave that na, police ne pakad liya. But that was very scary. So at that point, कभी भी ऐसा होता है तो हम लोगों को न्यूज़पेपर में देना पड़ता है. Secondly, this happened with my own student Mridul, Mridul Jindal. ये होता क्या है कि अगर हमारे 10th या 12th के मार्कशीट्स गुम जाते हैं तो आप CBSE से मार्कशीट नहीं ले सकते हैं. अभी तो आजकल तो फिर भी डिजी लॉक है तो आप उसका वो मतलब कि डिजिटल वो लेते हो, लेकिन पहले तो आपका होता था द ओरिजिनल वन. एंड इफ यू वांट टू टेक द ओरिजिनल वन, इफ यू हैव लॉस्ट इट देन व्हाट हैपेंस इज यू नीड टू गो टू द CBSE, वहां उससे पहले आपको जो है यू हैव टू गिव एन एडवर्टीजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर, छोटा मोटा बड़ा किसी में भी, दैट यू हैव लॉस्ट योर मार्कशीट वेयर वेन वॉट एवर इट इज देयर. एंड देन उसका जो कॉपी होता है जब वो प्रिंट हो जाता है तो उसकी जो कॉपी होती है उसकी कटिंग लेकर आपको CBSE में जमा करना पड़ता है, देन योर जो आपका डुप्लीकेट मार्कशीट है वो मिलता है. एंड दिस हैपेंड विद वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ओनली, वो 11th स्टैंडर्ड में ही हैड कम, और हम लोग फॉर्म भरने के लिए हमने 10th के मार्कशीट ले रखे थे, पर गुम गया. एंड देन इट वॉज वेरी पेनफुल, उसके पापा पुलिस में थे तो वो तो मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं मैम आप करवा के दोगे. एंड देन आई हैड टू प्रिंटेड, देन हम लोगों ने उसको किया, फिर वी वेंट टू CBSE, फिर वहां से मार्कशीट ली. तो दीज आर मतलब ये जो लॉस्ट एंड फाउंड वाला है ना, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम हमेशा यूज करते हैं. नोटिस होता है जब हम अपने सिर्फ स्कूल के अंदर अपने सोसाइटी में डाल रहे हैं, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट होता है दैट इज यूज व्हेनेवर आपका कोई सामान ऐसा गुम जाता है तो वी नीड टू गिव इट. That is where we use this advertisement.
This is the question. I have used UP board. You can use Delhi board. You can use Rant. मतलब आप कोई भी use कर सकते हो. Marksheet है तो नाम भी होगा. That is important. Very very important. Then question में दिया है that you are travelling to Ranchi. तो इसलिए मैंने लिखा है Ranchi bound. Ranchi bound मतलब Ranchi को जाने वाला या जाने वाली. State run bus मतलब state वाली जो bus थी वो किस दिन हुआ? 10th को हुआ. देन वेयर टू कॉन्टैक्ट? दिस इज द नाम. एंड देन फाउंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड या विल बी रिवॉर्डेड. तो दिस इज वन क्वेश्चन. This is the second question which we would be doing, in which we are going to. This will be something different, and why it is different? क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखो तो you are having briefcase. तो briefcase का मतलब है you also have to mention कि उसके अंदर क्या-क्या contents, and then where and when it was lost ये आपको लिखना है. Lost and found आपका कॉलम है और हिंदुस्तान टाइम्स आपका न्यूज़पेपर.
this is the second question which we would be doing, and one we would do for the found bus. अगर आप इसको देखो, यू स्टॉप योर वर्क फॉर 1 मिनट एंड लुक एट दिस वन, दिस इज अ कॉलम. आई हैव रिटन द कलर ब्लैक, मेक एरिस्टोक्रैट, उसकी मतलब की 15 इंच, लेदर उसका मेक, यहाँ आप लेदर की जगह लेदराइट भी लिख सकते हो. देन उसमें एन नाम लिखा है, बियरिंग एन इनिशियल मतलब एन लेवल से. एंड कहाँ पे लॉस हुआ था? दिल्ली जयपुर वंदे भारत B2 कोच में, और किस दिन हुआ था? 12 तारीख. देन उसमें क्या क्या था? सम ऑफिस पेपर, पेन, करेंसी नोट. अब हम ये नहीं बता रहे हैं कितना पैसा था. देन इधर कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और कॉन्टैक्ट नवल, क्योंकि नाम दिया हुआ है, एंड द सेम वर्ड फाउंडर विल बी रिवॉर्डेड. This is one of the very, very important questions. You know, very, very important. The last question in this sector, that is lost and found. आपको कोई चीज मिली है. I have already given you in the मतलब मैंने ऊपर format में बताया क्या मिला. It can be a bag, it can be a wallet, it can be you can say any मतलब की वॉच, क्रिकेट का सेट. नॉर्मली ये क्वेश्चंस में यही आते हैं. एंड देन यू हैव यू आल्सो फाउंड दैट देयर आर सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन सम मनी. तो अब आपको सिंपल सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट यू हैव फाउंड अ लेदर वॉलेट. तो आपको ये भी पता है कहाँ मिला, पार्क में मिला, क्या क्या है उसमें, डॉक्यूमेंट्स है और पैसा है. And you are Mansi or Abhyat. Now you have to draft an. Normally we don't give the house address in these kinds of, because that's very risky.
वी डोंट गिव द हाउस एड्रेस, वी गिव द कॉन्टैक्ट नंबर्स ओनली, और एल्स वी कॉन्टैक्ट, हम लोग जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी बोल सकते हैं, लाइक इस वाले में मैं लिखूंगी पुलिस स्टेशन से ले लो जाकर, वो अपना डॉक्यूमेंट का अब कैसे लेंगे वो, बाय शोइंग द प्रूफ, बाय शोइंग द प्रूफ, लॉस्ट एंड फाउंड इज एक्चुअली अ कॉलम इन न्यूज़पेपर्स, कैन कलर लेदर मेक वीआईपी वॉलेट, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्स कुछ भी डाल सकते हैं, यू कैन यूज लाइसेंस आधार कार्ड कुछ भी लिख सकते, देन कुछ पेपर्स एंड करेंसी, कहाँ मिला, आनंद विहार आने वाले 973 रूट में मिला, 5 बजे के आसपास, फ्रॉम वेयर वी हैव टू कलेक्ट, वी हैव टू कलेक्ट इट बाई शोइंग द आई डी फ्रॉम पोलिस स्टेशन आनंद विहार, यहाँ पर ओनर कैन, मतलब आप अपना फोन नंबर भी दे सकते हो, इट्स बेटर यू यू आर गिविंग द पोलिस स्टेशन, आप अपना नंबर भी दे सकते हो, ओनर कैन कॉन्टैक्ट ऑन जो नंबर है वो दिया, जो ऊपर दिया मानसी अलग, बॉयज विल राइट मांस, मतलब अभ्यार्थ एंड गर्ल्स विल राइट मांस, विद दिस द एंटायर एडवर्टीजमेंट वाला जो हमारे जितने भी थे वो हमारे खत्म, नाउ वेन एवर वी आर गेटिंग द टाइम, वेन एवर वी आर गोइंग टू रिवाइज, वी विल बी रिवाइजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स विच आर, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस थिंग, लाइक आज हम लोगों ने उसके अंदर जो है लॉस्ट एंड फाउंड में, लॉस्ट में दो तरीके से की, यू मे बी हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पर्टेनिंग, वो करते रहेंगे, बट नाउ आई विल प्रोसीड टू द literature section in the next class, right? So with this, we can end up for today. Good night.